कोसीकला के निकटवर्ती गांव उमराला में अभियुक्तों को पकड़ने गई पुलिस की जीप को रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गुरुवार को थाना कोसीकला पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले एक महिला सहित 3 लोगों को जेल भेजा है। पुलिस के मुताबिक रात्रि के समय थाना क्षेत्र के कोटवन चौकी प्रभारी मोहित कुमार मै फोर्स के साथ एक मुकदमे से जुड़े आरोपियों को पकड़ने के लिए गांव उमराला गए थे। इस दौरान आरोपियों को पकड़ने के बाद महिला सहित कुछ लोग पुलिस के साथ अभद्रता करते हुए सरकारी जीप के आगे लेट गए, जिसके बाद मोहित कुमार ने अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुला लिया। इसी बीच अतिरिक्त पुलिस बल को आता देख अभद्रता करने वाले लोग मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 3 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार भीड़ में मौजूद कुछ असामाजिक लोगों ने पुलिस से जमकर गाली गलौज की, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 3 लोगों सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस की इस कार्यवाही से लोगों में खलबली मची हुई है। वहीं पुलिस फरार हुए आरोपियों की तलाश में तेजी से जुट गई। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी वरुण कुमार सिंह ने जानकारी दी। ये देखिए, थाना कोसीकला जनपद मथुरा का प्रकरण है। बीती रात थाना कोसीकला में, जिसका ग्राम उमराला है, वहाँ पर अभियुक्त गणों द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम वेद प्रकाश है, उसके साथ मोटरसाइकिल को पीछे करने को लेकर के ट्रैक्टर में टक्कर लगने के कारण उनमें आपस में कहासुनी हुई, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त गणों द्वारा उसे जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। इसके क्रम में थाना कोसीकला पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। बाद में जो हमारी पुलिस टीम अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करने गई, तो उन लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया, पुलिस के साथ भी अभद्रता करने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप पुलिस द्वारा भी एक और मुकदमा उन अभियुक्त गणों के खिलाफ लिखाया गया है। इनमें से 3 अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा सुनिश्चित की गई है और शेष जो अभियुक्त